हाँ जी, नालिया में कचरा बहुत फूल जाता है और जो नाली फूट गई इसको हम महीने भर से कह रहे हैं सुधार दो सुधार दो। और जो सड़क में भी कीचड़ मच रही है, नल में अंदर पानी नहीं जा रहा है, बाहर बगर रहा, बहुत मोहल्ला बहुत ही कीचड़। तो ये समस्या लगभग कब से है? ये है हमें जो नल खुदाई हुई जब ही से है, 4 महीना से भाई। तो दीदी आपका क्या नाम है? इसमें क्या चाहते हैं आप? इसमें साफ सफाई हो जाए, नाली बन जाए, उसमें क्या हो, रोड बन जाए, पानी मिल जाए पर्याप्त। पानी आता जरूर है मगर जी बाहर बगरता है, अंदर नहीं पहुंच रहा पानी, किसी के नलों में आता नहीं और किसी के चालू हो जाते हैं, मोटर लगती है। अब सर अपनी तो जिम्मेदारी ये है कि पानी पर्याप्त मिल रहा, बगैर मोटर का चढ़े, अब हम तो मोटर लगवा नहीं सकते, गरीब आदमी कहाँ से लगवाए। तो ये नल जल योजना के तहत जो काम अधूरा पड़ा है जी, इसमें गांव के लोगों की क्या राय है? अरे भैया, राय जो है कि जब से ये काम चालू हुआ है, सबसे बड़ी बात जो मेरी जो पुरानी मेन लाइन है वो इतनी क्षतिग्रस्त हो रही है, जहाँ जाता हूँ जहाँ लोग गाली गलौज बकते हैं कि भाई पानी नहीं आ रहा, हर नल में जहाँ मतलब जहाँ के वार्ड में जाता हूँ भैया पानी नहीं आ रहा। भाई मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ भैया, जो काम लगा है जे लोग क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, मैं इन्हें हाथ जोड़ कर बोल रहा हूँ भैया आप कर रहे हो जो काम उसको तरीके से काम कर दो भाई। जैसे मेरी मेन लाइन फूट गई है उसको पहले आप जोड़ दो, आपका नया काम शुरू कर दो। नई लाइन चल रही है उसमें बहुत परेशान हो रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं कि पानी मिल रहा है जाम में। हाँ भाई, दिक्कत है सीवर निकला है ना, इसमें पानी आ रहा है ना उसमें पानी आ पा रहा है। भाई कम से कम एक काम ऐसा कोई भी कर दो तो पानी पब्लिक का दिक्कत ना हो। भाई जैसे जो पुरानी लाइन चल रही है उससे तुम आप बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो, हम जो बोल रहे हैं आपसे भाई, जो आपका जो नया काम है उसको सीधे तरीके से कर दो उसको काम, तो भाई एक तरफ से कर दो। तो आपका क्या काम रहता है मुख्य भाई? मेरा ऑपरेटर का काम है नलकूप चालू करना और बंद करना, मेरा काम है। नल जल योजना का जो कार्य हमारी ग्राम पंचायत में लगा हुआ है जी जी, जो कि किसी बड़े ठेकेदार ने इसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, उस पेटी पे उसने फिर एक और एक नीचे वाले किसी को दे दिया जी, तो बिल्कुल लापरवाही से काम हो रहा है। इस विषय को लेकर मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन के माध्यम से उनके संज्ञान में बार बार शायद 13 किलोमीटर की लाइन इस खापाईखेड़ा मेरी ग्राम पंचायत में डल रही है, वो बिना पानी की टंकी के अलावा, बिना पानी की टंकी के अलावा कैसे सक्सेस होगी वो लाइन, असंभव है ये बात। 1.25 करोड़ के आसपास की योजना बताई जा रही है, तो आज बगैर 2 महीने से काम, तो 6 महीने से लगा हुआ है जी, 2 महीने से पूरा काम, पूरा गाँव पानी के लिए मतलब कहीं से कहीं तक कोई व्यवस्था नहीं, मतलब मैं खुद नहीं कर पा रहा व्यवस्था। इनने मन चाहे अपने जहाँ से काम लगाया वहाँ का पाइप फोड़ दिया, पुरानी पाइपलाइन तक को भी फोड़ के रखा है इनने। तो जैसे ही साहब को मैंने ज्ञापन लिखा है उसके बाद ये थोड़ा अभी 2 दिन से फर्क है काम में, और अभी भी मतलब जो ठेकेदार है उसका मुझे अभी भी नहीं पता, ना मैं मुझे जानता ना मैं उसको जानता। तो सर गाँव में इस काम की वजह से लोगों को क्या क्या दिक्कत आ रही है? सबसे मुख्य समस्या तो बच्चों को स्कूल जाने आने में, और जर्नी एक्सप्रेस अभी आप शायद देख के आए होंगे, आप भी गांव में आए होंगे तो आपको आने में कितनी बड़ी तकलीफ हुई होगी आप खुद महसूस कर सकते हैं। बच्चे आने जाने में, बुजुर्गों के निकलने में रोज कोई ना कोई हादसा हो रहा है, शायद कोई ही दिन जा रहा होगा कि ग्राम पंचायत की रोड पर कोई ना गिर रहा हो और नल वाले को परेशान मतलब 2 शब्द ना दे रहा। तो इसके लिए आपने शासन प्रशासन को कुछ ज्ञापन सौंपा है? मैंने SDM महोदय को भी दे चुका हूँ, PHE विभाग को भी दे चुका हूँ, उनका इंतजार करा मैंने महीने भर कार्रवाई के लिए, आते हैं देखकर चल जाते हैं क्या सादघाट से काम चल रहा है या क्या उससे काम कर रहे हैं। और एक तरफ बता दें शिवराज सिंह जी बोलते हैं कि नल जल योजना में किसी कार्य को मैं ढील नहीं देखूंगा, और पंचायत की मेन भूमिका है उसमें अध्यक्ष बना के रखा है सरपंच को, सरपंच आज ये स्थिति में आ गया कि उसको शिकायत करना पड़ रहा है कलेक्टर महोदय से। तो आगे इस मामले में आप क्या मदद चाहेंगे सरकार से? हम यही चाहेंगे कि सरकार के मार्गदर्शन में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार देखरेख में ये कार्य हो। मुझे किसी चीज का लोभ लाभ वो नहीं है, मेरे को अच्छा काम हो बस मैं वो चाहता हूँ, मेरी गांव की जनता के लिए हर घर तक पानी पहुँचे और कुछ नहीं चाहता। एक और आप सभी से वीडियो जो आप देखेंगे इस न्यूज को, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, अंत में जो इसमें नंबर आएंगे कॉन्टैक्ट नंबर की अधिकारियों के नंबर रहेंगे, आप सीधे ही उनसे इस विषय को लेकर चर्चा कर, समस्या को लेकर मेरी और मेरे ग्राम पंचायत की मदद करी जाए। ग्राम खापड़खेड़ा पिपरिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है और इस गांव की जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास है। इस समस्या को मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है। मैं शैलेंद्र,
होशंगाबाद मध्य प्रदेश से इंडिया अनर्ट के लिए।